राम राम जी, कैसे हैं आप सभी? सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की। आज हम अपनी 74वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, शांति को बना करके रखें देश में, बस यही अपील करते हैं। और क्या बोलते हैं, आपने देखा लाल किले पर भी स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। इतने डरे हुए प्रधानमंत्री लोगों को दिखा रहे हैं, कंटेनर लगाए हुए हैं और उन पे झांकी बनाई हुई है, उनको लोगों को दिखा रहे हैं कि हमने अब की बार नई तरीके से बनाया। लेकिन इतने डरे हुए क्यों हैं? वो तो कहते हैं उनकी पार्टी के लोग सबसे लोकप्रिय नेता हैं, सबसे पावरफुल नेता हैं, तो ऐसे डर डर के क्यों मना रहे हैं स्वतंत्रता दिवस? सबसे पहले तो सभी देशवासियों को बहुत सारी शुभकामनाएं और एक अपील, भाईचारे को बना करके रखें और शांति देश में बना करके रखें। लेकिन आज़ाद हम हो गए थे 1947 में 15 अगस्त को, लेकिन फिर से एकजुट रहने की जो हमें ज़रूरत है, सभी को एकता बना करके रखने की ज़रूरत है। जो अघोषित आपातकाल ये हमारे ऊपर थोप रहे हैं लगा लगा कर सरकार वाले लोग, सत्ता वाले लोग, उसके खिलाफ लड़ने की ज़रूरत है हमें। बहुत 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 थैंक यू सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, थैंक यू। तो हमें उस लड़ाई में अगर हम लड़ेंगे ऐसे लोगों के खिलाफ, भ्रष्टाचारी लोगों के खिलाफ, भ्रष्टाचारी नेताओं के खिलाफ, तो हमें एकजुट रहने की बहुत ज़रूरत है। तो सभी एकजुट रहें, हमें एक रहें, हमें उसकी, हमें पूरे देश में, हमारे पूरे देश को बहुत ज़रूरत है स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सचिन सिंह भाई, थैंक यू। आप सब लोग ठीक हैं? सब बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से अपना वो मनाइए स्वतंत्रता दिवस, और एक अपने मन में विश्वास और एक क्या बोलते हैं, एक एक वो करिए कि मतलब हमें आने वाले समय में ऐसे ऐसे लोगों से लड़ना है। और हम इस बात का प्रण करते हैं कि भ्रष्टाचारी लोगों से लड़ना है, जो देश की जनता के खिलाफ है, किसानों के खिलाफ है, युवा रोजगार मांग रहे हैं उनके खिलाफ है, उनके खिलाफ हमें लड़ना है। एक दृढ़ संकल्प आप लें सभी लोग। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी आप लोग ध्यान रखें अपना, खुश रहें। मैं एक सैल्यूट देश के उन स्वतंत्रता सेनानियों के नाम जिनकी वजह से हमारा देश आज़ाद हुआ, एक सैल्यूट जो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं हमारे सैनिक, सभी फौजी भाई, उनके नाम एक सैल्यूट उनके नाम जो पुलिस प्रशासन है, इनके दबाव में बहुत आ रहा है इनके दबाव में भैया, लेकिन उनकी भी मजबूरी है। आप सभी लोग उनकी भी मजबूरी परेशानी समझें, लेकिन कुछ लोग बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं, आपने देखा बहुत सारे वीडियो वायरल हैं। लेकिन एक सैल्यूट उनके भी नाम पुलिस वालों को, जो दिन रात अपने घर परिवार को छोड़ करके कभी सत्ता के दबाते हैं लोग, कभी कोई दबाते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी नौकरी करते हैं। एक सैल्यूट पुलिस वालों के नाम, और एक सैल्यूट जो देश के अन्नदाता हैं, जिनसे हमारा देश चलता है, देश की जनता का वो पेट भरते हैं, उनके नाम एक सैल्यूट। सभी देशवासियों के नाम सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारी शुभकामनाएं।